लेकर आई हूँ दोस्तों आप सभी के लिए लसोड़े या फिर लेसवे के अचार की रेसिपी। आप इसे अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लसोड़े या फिर लेसवा जो होता है वो गोल गोल होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भी यहाँ पर लसोड़े लिए हैं। तो मैं यहाँ पर 2 किलो लसोड़े लेकर आई थी और ये कुछ इस साइज़ के होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि छोटे बड़े मिक्स हैं, पर जो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं वो लसोड़े काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इनका अचार बहुत अच्छा बनता है। तो हमेशा आप एकदम मीडियम साइज़ वाले ही लसोड़े का इस्तेमाल करें, बहुत छोटे लसोड़े हमें लेकर नहीं आने हैं। इसके बाद से इसके डंठल को तोड़ लीजिए और अब इसके बाद से हम इसको करेंगे बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी को गर्म होने रख दिया है और पानी में मैंने लसोड़े डाल दिए हैं। जब पानी में उबाल आ जाए तब लसोड़े को डाल दीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी में थोड़ा थोड़ा सा झाग भी बनता है। ये जो झाग होता है आप चाहें तो इसको इस तरीके से किसी छन्ने की मदद से निकाल कर अलग कर दीजिए। वैसे भी ये थोड़ा सा मतलब अजी अलग टाइप का चीज़ होता है तो इसको निकाल देना ही सही रहता है। 5 मिनट के लिए लसोड़े को बॉयल करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और अभी ये कड़क भी हैं। जब लसोड़े हल्के से हाथों से सॉफ्ट फील हों तब तक आपको इसको बॉयल करना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लसोड़ों को बॉयल होने में लग जाता है। बॉयल करते टाइम आप इसकी फ्लेम को सिम रखिएगा। सिम फ्लेम पर आप देखें कि लसोड़ों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तब आप गैस को बंद कर दीजिए और अब इनको हम क्या करेंगे, गर्म पानी से छान कर पहले किसी छन्ने में निकालेंगे। अभी भी मुझे झाग दिख रहा है, इस झाग को भी मैं और निकाल कर अलग कर देती हूँ। अब इसके बाद से मैंने ले ली है एक प्लास्टिक की जाली और इसी जाली में छन्ने से निकाल निकाल कर सारे लसोड़ों को मैं अलग रख देती हूँ। अब इस टाइम पर आप जब देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लसोड़ों का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ कलर हमें चाहिए होगा, पता चल जाता है कि ये बॉयल हो चुके हैं। पानी को आप फेंक दीजिए। अब ये लसोड़े हैं, इनका मैंने थोड़ा सा पानी छाना, इनको 15 मिनट छन्ने में रखा। उसके बाद से कोई सूती कपड़ा बिछाया है आपके स्लैब पर, मेज पर, कहीं पर भी, रूम में ही, धूप में नहीं, बस इन लसोड़ों को दिन भर सूखने दीजिए। 3 से 4 घंटे इनको खुली हवा में छोड़ दीजिए। ध्यान रखेंगे कि इनको धूप में नहीं सुखाना है। अब लसोड़े हमारे पूरी तरह से सूख चुके हैं, पानी इनका सूख चुका है। इसके बाद से हम करेंगे इसमें एक प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या करें, अपने दोनों हाथों की मदद से लसोड़े को इस तरह से हल्का हल्का सा तोड़िए। जैसे ही ये हल्का सा टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तब यानी कि हमारे लसोड़े बढ़िया से अब अचार बनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से करके पहले हम सारे लसोड़े को तोड़ तोड़ कर रेडी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, पर अगर आपकी स्पीड तेज़ है तो आप 10 से 15 मिनट में 2 किलो लसोड़े ईजिली तोड़ कर रख सकते हैं। सारे लसोड़े को इसी तरह से तोड़ कर रख लेंगे और उसके बाद से तैयार कर रही हूँ मैं मसाला। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून भर के सौंफ लिया है, 3 टेबल स्पून ही मेथी के दाने लिए हैं, साथ ही 1.5 टेबल स्पून है जीरा। जीरा मैंने इन दोनों चीज़ों का हाफ लिया है। अब इन तीनों मसालों को हम सिम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब भी आप अचार के लिए मसाले रोस्ट करें दोस्तों, तो ध्यान रखें कि फ्लेम को सिम ही रखें। सिम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट में मसालों का कलर चेंज हो जाएगा और मसाले बढ़िया से रोस्ट हो जाते हैं, इनकी एक खुशबू आने लगती है। अब इस टाइम पर आप गैस को बंद करें और 3 टेबल स्पून पीली सरसों लेनी है और इसी गरम कढ़ाई में डाल देनी है। ये पीली सरसों में अगर कोई नमी है तो वो गरम मसालों के साथ जाकर बहुत अच्छे से इसकी नमी भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर गैस को पहले ही मैंने बंद कर दिया था। अब ये मसाले जब ठंडे हो जाएं तो 1 चम्मच के लगभग मसाला, 1 से 1.5 चम्मच हम यहाँ पर अलग निकाल लेंगे और बाकी मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसालों को बढ़िया फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है जिसमें हम अचार तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो लसोड़े मैंने थोड़े थोड़े से तोड़ कर रखे थे उनको डाल दिया है। इसके बाद से 1 बाय 1 मसाले डालेंगे। तो हल्दी का पाउडर लिया है जो कि 2 से 2.5 टेबल स्पून लगभग है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये है तीखी लाल मिर्च जो कि 2 टेबल स्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि 1 या 1.25 टेबल स्पून है, और इसके अलावा है कलौंजी के दाने 1 टेबल स्पून। साथ ही मैं लूँगी और भी कुछ मसाले, जैसे मैं ले रही हूँ हींग, तो हींग भी हम 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं, यानी कि 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग ली है। वो जो खड़े मसाले हमने पहले निकाल कर रखे थे वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। नमक डाला है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून, और जो ये खड़े मसाले डाले हैं इनसे हमारे लसोड़ों के अचार का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। अब इसके बाद से जो है मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन और कलौंजी हम इसी तरह डालेंगे, इसको मैं पीस कर नहीं डालती हूँ। अब इसके बाद से मैं ले रही हूँ अमचूर का पाउडर, साथ ही जो है हींग हम डालते हैं, दोनों चीज़ें हम इस तरीके से डालते हैं। और अमचूर का पाउडर है वो भी मैंने 2 से 3 चम्मच भर के डाले हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। इधर दूसरी साइड मैंने गैस पर सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने रख दिया है। तेल में से जब हल्का हल्का सा धुआं निकलने लगे, उसकी महक आने लगे, तो गैस को बंद करिए और तेल को ठंडा कर लीजिए।
अब इस ठंडे तेल को आप अपने अचार में मिक्स कर सकते हैं। तेल को एक बार पकाकर अचार में डालने से अचार के जो खराब होने का डर है वो खत्म हो जाता है। पहले इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद से हमारा जो पिसा हुआ मसाला है वो हम ऐड करेंगे। इन मसालों को मिलाने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कि अब हमें अचार में कितने मसालों की और ज़रूरत है, इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, जिससे हमें एक कोटिंग पता चल जाए कि लसोड़ों के ऊपर मसालों की कोटिंग कितनी है। तेल भी अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, लगभग यहाँ पर मैंने 300 ml ऑयल का यूज़ किया है। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी। अब इसके बाद से चलिए जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं वो मैं डालती हूँ। मसाले थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो मैंने क्या किया है कि लगभग 1/3 हिस्सा मसालों का डाला है, 1/4 मैंने बचा कर रख लिया है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार अचार खाते हैं तो आप पूरा मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बचा लिया है, ये मसाला बाद में किसी दूसरे अचार में भी काम आ सकता है। सबको अच्छे से मिला लेते हैं। जब अचार को आप इस तरह से किसी खुले बर्तन में बनाएं तो रात भर के लिए इसको ऐसे ही ढककर छोड़ दें। उसके बाद मॉर्निंग के टाइम ही आप इनको जो है डब्बों में भरें। तुरंत ही अचार बनाने के बाद डब्बों में भरने से आपको नमक मसाले का अंदाज नहीं होता। रात भर इसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि अचार जो है अपने अंदर मसालों को सोख लेता है, तो हमें आइडिया ज़्यादा लगता है कि हमें इसमें कितने तेल या फिर और मसालों की ज़रूरत है। अभी मैंने मसाला सफिशियंट डाल दिया है, तेल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तेल मैं थोड़ा सा और डालूंगी और इसके बाद से जो है इन लसोड़ों के अचार को हम रख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर तेल और डाला है, तो लगभग मैंने कुल 700 से 800 ml तेल डाल दिया है, तो कुल 2 किलो अचार में कम से कम 1 किलो ऑयल तो जाता ही जाता है। अब इसको मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी, नेक्स्ट डब्बों में भर कर और हम इसको रख लेंगे। अभी आप चाहें तो ऐसे मौसम में धूप नहीं भी दिखाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 2 से 3 दिन में लसोड़े के अचार बहुत अच्छे से गल जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं। रेसिपी को एंजॉय करिएगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।